पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे व्हाट इज हार्ड डिस्क, फिर उसका जब पीसीबी लेवल आएगा तब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे। तो ये हमारी हार्ड डिस्क है, हम लोग इसको जब परचेस करते थे उसका डेट लिखते हैं, नॉन डिटेक्टेड हेड वॉइस, क्या क्या एरर है वो हिसाब से हम लोग जब भी स्क्रैप खरीदते हैं तो इस तरह हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये हार्ड डिस्क है अलग अलग साइज की, यहाँ पर सीगेट है और क्या है हिटाची है, सैमसंग है, WD है, तोशिबा है, इस तरह अलग अलग ब्रांड है। हाँ, अब इसका मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर देखो तो आपको पता चलेगा मॉडल नंबर क्या है, चेक करो मॉडल नंबर WD 3200। हाँ, मतलब 10 एक्स्ट्रा लगा है 320, मतलब इससे आपको पता चलेगा वेस्टर्न डिजिटल की है, 320 है। हाँ, और AAGS मतलब साटा है, और उसका मॉडल और उसका इंटरनल कैश मेमोरी उसके डिटेल इसमें दिया है, ये सब मॉडल नंबर से हम पहचानेंगे। इसमें नॉर्मली तीन प्रॉब्लम्स आती हैं, तीन प्रॉब्लम्स आती है नॉर्मली, एक तो डिटेक्शन आ रही है बायोस में, डिटेक्शन आ रही है लेकिन क्या बता रहा है, सॉफ्टवेयर अंदर फॉर्मेट हो गया, डिलीट हो गया, वायरस है, पार्टीशन उड़ गया, MBR करप्टेड है, ये सब सॉफ्टवेयर लेवल का प्रॉब्लम। दूसरा, आपकी हार्ड डिस्क बायोस में डिटेक्शन ही नहीं हो रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ डेड कंडीशन है, बिल्कुल स्पिन नहीं हो रही है तो PCB का डैमेज हो सकता है, स्पिन हो रही है, हेड वॉइस आए तो कभी कभी PCB की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, इस तरह कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या होती है, अंदर हेड का वॉइस आ रहा है या इंटरनल मैकेनिज्म जो फॉल्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, कौन सा प्रॉब्लम, मैकेनिकल फेलियर। वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्यों कि इसका अलग से पार्ट्स नहीं मिलेगा आपको, सेम वर्किंग हार्ड डिस्क लो उसमें से हेड ट्रांसलेट करो और फिर उसको रीडिंग करो। ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हैं। और थर्ड फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है फर्मवेयर, इसका मॉड्यूल्स होते हैं यहाँ पर, फर्मवेयर मॉड्यूल्स होते हैं। इस फर्मवेयर चिप में क्या होता है, डाटा होता है और हार्ड डिस्क का जो आउटर रिंग है उसमें भी फर्मवेयर होता है, वो फर्मवेयर के लिए डिवाइस थोड़ा महंगा आता है और उसका सब बहुत लंबा लंबा है, WD अलग, सीगेट अलग, सैमसंग अलग, अच्छा स्टैंडर्ड टूल्स लो तो 3-4 लाख का आता है और नॉर्मल टूल्स लो, हाँ PC 3000 4-4.5 लाख के आते हैं। हाँ, वो सपोर्ट रहता है, वो 1 साल का सपोर्ट देता है, उसके बाद चार्जेबल सपोर्ट है, वो सब उनका लाइसेंस तो लॉन्ग टाइम चलता है, अपग्रेड करते रहना है इस हिसाब से, तो वो PC 3000 आता है, दूसरा MRT आता है, तीसरा आता है डॉल्फिन आता है, बहुत सारा आता है, अटोला आता है, SCDV आती है, सब आती है, कुछ विदाउट डिवाइस भी आता है, विदाउट डिवाइस मतलब डोंगल नहीं चाहिए, फ्री सॉफ्टवेयर से भी काम हो, लेकिन उसमें 50% रेशियो काम रहता है, 50% प्रोसेस होता है, 50% नहीं भी हो इस हिसाब से, या 80-90% फर्मवेयर में प्रोसेस होता है, उसमें 50%। तो ये सब हार्ड डिस्क का हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क दो टाइप की आती है, एक SSD और एक HDD, तो हम लोग स्टेप बाई स्टेप देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज, डाटा रिकवरी, टाइप्स ऑफ HDD, SSD, परफॉर्मेंस, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ये सब हम देखेंगे। अब स्टोरेज में क्या क्या आती है, एक तो फ्लॉपी, जिप ड्राइव, टैप, CD-ROM, अब ये सब ओल्ड हो गया, पेन ड्राइव का जमाना है, USB हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आएगा, USB हार्ड डिस्क आएगी, पेन ड्राइव आएगी, मेमोरी कार्ड आएगी। हार्ड डिस्क में SSD भी आ सकती है। देखो हार्ड डिस्क कितनी टाइप की आती है, तुम जो बोलते हो ना स्लिम, वो ये स्लिम 1 इंच, 1.8 इंच और 2.5, मतलब लैपटॉप में, USB में, ये डेस्कटॉप में, ये सर्वर में, बड़े बड़े गूगल के सर्वर ने, ये सब बड़े बड़े होते हैं ना जिसमें 15-15 GB तो अपने को स्टोरेज देता है, तो उनके कितना बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होगी, तो ये बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क उसमें यूज होती है, बड़ी स्टोरेज, और ये कॉस्टली भी आती है। तो ये अलग अलग मीडिया है HDD का। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1.8 इंच, हाँ ये सब मॉडल लिखा हुआ। नेक्स्ट, अब HDD और SSD में डिफरेंस क्या है, हाँ इसमें मैकेनिकल है, इसमें देखो रैम की IC जैसा है, इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, इसकी कम रहेगी, वो सब इसके हिसाब से लिखा, हीट ज़्यादा होंगे, हैं हीट होगी इसमें, रोटेशन की हीट होगी, डिफ्रैगमेंट इसमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें डिफ्रैगमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका वजन ज़्यादा रहेगा, इसका वजन कम रहेगा, कंपोनेंट इसमें मूविंग आइटम्स के कंपोनेंट होंगे, इसमें सिर्फ चिप होगी जी। SSD में इंक्रिप्टेड डेटा रहता है ना, वो रैम की तरह, मतलब वो बाइनरी में ही होता है, लेकिन वो अलग अलग एक के बाद एक में स्टोर करता है, मतलब कंटिन्यूटी में स्टोर करता है, जबकि HDD में कैसा यूज़ करेगा,
प्लेटर 1 0 1 2 3 जैसा इस तरह स्टोर करेगा, और वहाँ पर क्या एक भर गई फिर दूसरी, दूसरी भर गई तीसरी, फिर अगर बीच में कुछ खाली हुआ तो पीछे उसको फिल करता जाएगा, वो फिर वो करता जाएगा, अगर एक बार पूरा हो गया राइट तो फिर से रीराइट करेगा।